आइए हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, सिंपल मशीन। ए बीटेक वाले तो पढ़े होंगे ये सब, बीटेक वाले नहीं पढ़े हैं ये सब, आईटीआई वाले तो नहीं पढ़े होंगे, बीटेक वाले नहीं पढ़े हैं। भैया आवाज जा रहा है? हाँ आ रहा है। हाँ, ये तो मैं नेटवर्क हाँ, आप ट्रेन पे हैं, ट्रेन पे, इसीलिए इसीलिए। देखिए सिंपल मशीन, सरल मशीन के बारे में जहां तक हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि आप जाते हैं ना टू व्हीलर या फोर व्हीलर से लेकर के जाते हैं आप, तो उसको जैसे गैरेज में लेकर के साफ करवाना है या कुछ काम करवाना है उसमें, उसको देखते हैं स्क्रू जैक पे उठा के उसको जो है ना ऊपर कर देता है, ऐसा देखे हैं क्या आप लोग, करवाए हैं क्या है? या देखे होंगे, या फिर जैसे हमारे बुलडोजर सब हाइड्रोलिक होते मशीन, हैं, हाँ ये सब क्या ये करते तो हैं? हाइड्रोलिक होता हाँ हाइड्रोलिक होते हैं, हाइड्रोलिक होते हैं, बात सही है। हम सिंपल ये लीवर का बात कर रहे हैं, लीवर का बात कर रहे हैं, सुनिए पहले ये सब क्या है, मतलब कि एक मशीन है कि नहीं है? हाँ? क्या है ये? एक मशीन है है, जी। मशीन है, ठीक है। तो ये जो सिंपल मशीन है, ये जो है एक तरह से बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण में क्या पढ़े हैं हम लोग, बताइए बल आघूर्ण में क्या पढ़े हैं, पहले बताइए हमको। बताइए बल आघूर्ण हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं उसमें ये बताइए हमको, बोलिए। स्मिथ टॉर्क, में क्या कहते हैं बाला गुण का, एक एक्सिस में काम टॉर्क, टॉर्क के बारे में मतलब क्या एक पढ़े एक्सिस हैं? में घूमता है कोई भी पिंड, उस पर जो बल कार्य करता है वो एक पिंड, मतलब जिस पर जो काम करता है फोर्स, वो एक एक्सिस में घूमता है, इसी को बल का घूमना हाँ, कहते हैं। तो कहने का मतलब देखो, टॉर्क के बारे में हम लोग भूल गए, आप लोग नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। टॉर्क हम लोग पढ़े थे जी, टॉवर और पढ़े थे ना, एफ इंटू एल या एफ इंटू डी, बोलिए। तो डी क्या है? भुजा युग्म है, या आर्म, आर्म बोल सकते हैं, आर्म बोल सकते हैं, ठीक है ना। जी ये क्या है? फोर्स है, फोर्स है, यानी कि जिस पर फोर्स लगाते हैं वो जिस एक्सिस पर, एक्सिस के चारों ओर घूर्णन करते हैं, हाँ उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो यहां पर वो सिंपल मशीन जो है इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ठीक है। सिंपल मशीन बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही सर। और किसी को दिक्कत हो रहा है क्या? तो ये जो है सिंपल मशीन जो है, यानी कि सरल मशीन जो है, ये क्या है? ये एक बल आघूर्ण यानी टॉर्क के प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, छोटे से छोटे काम को, यानी सॉरी बड़े से बड़े काम को छोटे से छोटे मशीन के द्वारा हम कर सकते हैं, या बड़े से बड़े मशीन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे करते हैं बिल्डिंग को उठाता है, पूरा पूरा एकदम बिल्डिंग, 10 मंजिला बिल्डिंग को गिराना है, देखते हैं बुलडोजर से उसको गिरा दिया जाता है। इसमें ये भी कर सकते हैं आप, बड़े से बड़े कार्य को थोड़ा बल लगा करके हम कर सकते हैं, जो कि हम बलागुना हमको बताता है, बताता है कि नहीं बताता है? अब बताओ हमारा इंजन जो है लोको, उस पे जो मालगाड़ी होती है उसमें 59 बोगी, 59 डिब्बा होता है, उसका जो टर्न होता है यानी लोड होता है वो 4200 यानी 4000 अप्रोक्स, 3000 अप्रोक्स, 3 से 4000 अप्रोक्स के बीच में ऐसा भी होता है। यानी कि छोटे से छोटे मशीन के द्वारा बड़े से बड़े काम को किया जा सकता है, किया जा सकता है ना। इसी को जो है सिंपल मशीन नाम दिया गया है, इसीलिए ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बल आघूर्ण हमको क्या बताता है? वही बताता है ना, जो एक्सिस है जिस पर हम बल लगाते हैं, जिस भुजा पर, जिस आर्म पर बल लगाते हैं, वो आर्म जितना लंबा होगा, कम बल लगा करके अधिक से अधिक हम कार्य कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। इसीलिए सिंपल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें जैसे हम एग्जांपल सर अगर कुछ देखें, समझ में नहीं आ क्या बोले, रहा सर, वॉइस क्या है सुबह सुबह प्रॉब्लम हो रहा है, बताइए। मैं कब क्लास में, शाम में तो क्लास बढ़िया होता है,
आवाज कट रहा है सर। फिर से ज्वाइन कर रहा है सबको। हाँ हाँ बड़े से बड़े काम को, बड़े से बड़े काम को किया जा सकता है। ठीक है, इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये जो है किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा सकता है, पूछा जा सकता है। लीवर, लीवर इसी के अंतर्गत होता है। लीवर मतलब क्या होता है, लीवर मतलब क्या होता है बताइए। उत्तोलक, उत्तोलक यानी क्या है, वो एक छोटा सा छर है या बड़ा छर है, या टेढ़ा मेढ़ा छर हो सकता है, बहुत बड़ा मशीन हो सकता है, छोटा मशीन हो सकता है, जो कि बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्लियर, आगे मैं बढ़ता हूँ। ठीक है ना, तो ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समझिए, अब इसमें देखिए, इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमने कहा उसको बोलते हैं स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का नाम सुने हैं आप लोग? बोलिए, स्क्रू जैक का नाम सुने हैं आप लोग? जो बोल रहे हैं अभी, जैसे फोर व्हीलर को इससे देते हैं, उठा देता है ऊपर। हाँ, फोर व्हीलर को इससे जाते हैं ना, वहां पर क्या बोलते हैं, शोरूम लेकर के जाते हैं, उसको ऊपर उठा देता है, नीचे से साफ करना होता है, या उसका व्हील बदलना होता है तो उसको बदल के दूसरा लगाया जाता है, ऐसा कुछ। हाँ, तो उसको बोलते हैं स्क्रू जैक। हाँ, समझे ना। या फिर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ले लू आनत तल। आनत तल का नाम सुने? हाँ, ये क्या होता है, जैसे कि देखो आपका ये ट्रक है, ट्रक है ना, ट्रक पे जैसे हमको फोर व्हीलर चलाना है, सपोज कार को उस पे लोड करना है, तो उस पे देखिए कि इस पे एक हॉरिजेंटल, उस पे कोई लोहा का या फिर कोई तख्ता ऐसे लगा दिया जाएगा, जिसके क्या होगा, कार को उस पे ले ले सकते हैं। ऐसा देखें आप लोग? जी 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 सर। हाँ, तो उसको बोलते हैं आनत तल, यानी कि ये जो कार है हाँ, ये समझो समझो ये बैक है इसका, ये बैक है, इस पर हमको एक गाड़ी चलाना है, तो इस पे क्या करते हैं हम लोग, इस तरह से एक ऐसे हम लोग लगा देते हैं लोहा का, समझो ये लोहा का, इस पर क्या करेगा, ये कार जो है आसानी से ये चर करके ये ऐसे ये ट्रक में आ जाएगा, तो इसको जो बोलते हैं आनत तल बोलते हैं, आनत तल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आनत तल बोलते हैं। इससे क्या होगा, इसमें क्या होता है, इसका लोड जो है दो भाग में डिवाइड हो जाता है, एक अपर एक लोअर, दो भाग में, यानी कि जो आपने जैसे कि मैं बोलूं कि कोई चीज को जैसे ऊपर उठाओ, तो आप देखना कुछ ज्यादा बल 90 डिग्री पे उठाने के लिए कुछ ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन वही बोलूंगा कि थोड़ा 90 डिग्री से एंगल थोड़ा नीचे कर लो, 45 डिग्री कर लो या फिर 60 डिग्री कर लो, हाँ ऐसा कुछ, देखो कम बल लगाना पड़ता है कि नहीं है, ऐसा देखें आप लोग, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि वहां ऐसा इसलिए होता है कि वहां पर जो है भार जो है दो पार्सेंट डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पर इसीलिए इसको जो है ये क्या बोलते हैं, ये आनत तल। देखो आनत तल क्या काम किया, इसका लोड कितना होगा बताओ, इसका लोड कितना होगा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा, लेकिन ये क्या क्या इसके द्वारा इस पे दे दिया, ट्रक पे दे दिया, यानी कि आनत तल भी ये क्या है, किस पे काम करते हैं आपका, इसके क्या बोलते हैं, बलागुण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, जो कि सिंपल मशीन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सिंपल मशीन का कुछ एडवांटेज होगा या कुछ क्षमता होगा, होगा कि नहीं होगा, मशीन की एफिशिएंसी, मशीन की हाँ मशीन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, इससे आप ये पता लगा सकते हैं किस मशीन की कितना दक्षता है, वो कितना कार्य कर सकता है, कितना, ये जो दक्षता निकलता है हमेशा परसेंटेज में निकलेगा, ठीक है ना, वो कितना दे सकता है। जैसे कि हमने कहा कि आपके द्वारा कुछ एफर्ट डाला गया, जैसे आप साइकिल चलाते हैं, पैडल बोलते हैं ना, पैडल पर कुछ आपका आपके द्वारा क्या किया जाता है, फोर्स डाला जाता है, उस फोर्स को वहां पर फोर्स नहीं बोला जाता है, एफर्ट डाला जाता है, यानी प्रयास बोला जाता है, यानी कि आपके द्वारा कुछ वर्क किया जाता है उस पैडल पर, उसके बाद क्या करते हैं
आप एक राउंड घुमाते हैं तो वो दो राउंड ले जाता है या चार राउंड ले जाता है उसका व्हील, जाता है कि नहीं जाता है बोलिए। कि आप जितना, अगर हम 20 स्पाइरल मारेंगे क्या 20 बार चक्का घूमेगा क्या मेरा साइकिल का, कहीं ज्यादा बार घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, तो कितना घूमेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी मशीन को हमारे द्वारा जो ऊर्जा दिया जाता है उसके द्वारा मशीन हमको कितना देगा, इनपुट आउटपुट, मेरे द्वारा इनपुट दिया गया आउटपुट कितना देगा, वो चीज पता लगाने के लिए मशीन की दक्षता एफिशिएंसी ऑफ मशीन इसको ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो आप, देखो इसमें तो समझ में आ गया क्लियर क्या होगा। यानी कि हमारे द्वारा, हम अपनी भाषा में बता रहा हूं आपको, हाँ, हमारे द्वारा जो मशीन को ऊर्जा दिया गया, ऊर्जा यानी कि इनपुट, हाँ इनपुट दिया गया या देने के बाद, हाँ दिया गया या देने के बाद, ऊर्जा देने के बाद, हाँ मशीन के द्वारा जो आउटपुट आउटपुट या कार्य के, हाँ या मशीन के द्वारा जो कार्य किया जाता है, हाँ देखो इफिशियंसी ऑफ मशीन, इफिशियंसी ऑफ मशीन, हाँ इफिशियंसी ऑफ मशीन ये हम लिखते हैं, हाँ इसको हम, ये कैसे ज्ञात होगा, यानी कि जो मशीन के द्वारा हमें मिला यानी आउटपुट, आउटपुट हाँ, या हिंदी में बोल सकते हैं निर्गत, हाँ निर्गत एनर्जी, निर्गत ऊर्जा, हाँ और हमारे द्वारा जो डाला गया यानी इनपुट, इनपुट यानी कि प्रयास, प्रयास हाँ इंटू 100% इंटू 100%। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि इफिशियंसी ऑफ मशीन ईएम बराबर बोल सकते हो, हाँ आउटपुट, आउटपुट बटा इनपुट, हाँ इनपुट इंटू 100%, यही होता है। आप लोग पढ़े होंगे, कहीं कहीं पढ़े होंगे, कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जिस मशीन की दक्षता एफिशिएंसी 100% होती है वो आदर्श मशीन कहलाता है, पढ़े होंगे, कहीं कहीं पढ़े होंगे, याद कीजिए आप लोग। जी सर, हाँ तो कहने का मतलब ये किसी भी मशीन की दक्षता जो 100% नहीं हो सकता, अगर हो गया वो आदर्श मशीन कहलाएगा, समझ लो वो प्योर है, एकदम शुद्ध है, लेकिन 100% नहीं हो सकता, क्योंकि देखो हमारे द्वारा किसी भी चीज पर जब एफर्ट डाला जाता है, हमारे द्वारा जो वर्क किया जाता है उसके द्वारा उतना नहीं मिलता है, कम मिलेगा, पूछो क्यों, क्योंकि जब वो कार्य करते हैं ना उसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, होगा कि नहीं होगा, घर्षण बल उत्पन्न होता है, जब घर्षण बल उत्पन्न होता है तो उसमें कुछ एनर्जी खपत हो जाता है, एनर्जी का खात्मा होता है, तो उतना नहीं मिल पाता है जितना हमारे द्वारा डाला जाता है। ठीक है ना, अगर मिल गया समझो वो आदर्श मशीन है, हाँ क्या बोलेंगे, आदर्श मशीन है। ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर नोट के रूप में लिखते हैं, देखो इसको ना थोड़ा और समझते हैं थोड़ा सा, हाँ पहले इसको लिख लेते हैं, मशीन की दक्षता यानी इफिशियंसी, हाँ इफिशियंसी 100% से कम होती है, कम होती है, हाँ इसको इसको वन नंबर कर देते हैं, हाँ इसी में दूसरा देखना है हम लोग को, यदि किसी मशीन, देखो एएलपी में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे दिमाग में मत लेना कि हमारे लिए नहीं है, यदि किसी मशीन की दक्षता 100% हो जाए तो वह मशीन क्या होगा, आदर्श मशीन, आदर्श को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कोई जानते हैं, आइडल सर, हाँ आइडल,
एडलर मशीन होगा, ठीक है। क्लियर, इनमें किन्हीं को कोई डाउट है बोलिए। समझे ना, पहली बात तो मशीन जो है यानी सरल मशीन जो है यानी सिंपल मशीन जो है वो उत्तोलक के सिद्धांत पर यानी सॉरी बलागुर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा बात, दक्षता की जब बात आए तो दक्षता किसी भी मशीन का 100% नहीं हो सकता, अगर हो जाता है हाँ तो वो आदर्श मशीन होगा यानी कि वो आइडियल मशीन होगा। आप इसको जो है क्या बोलते हैं इसको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाओगे तो कहेगा निम्न में से किस मशीन की दक्षता, किस प्रकार के मशीन की दक्षता 100% हो सकती है, तो आदर्श मशीन की दक्षता 100% हो सकती है, या आदर्श मशीन की दक्षता किसी भी मशीन की दक्षता हाँ था हाँ ठीक है 11:20 हाँ पायलट जाएंगे पायलट एर्नाकुलम है ना, देख लीजिए हाँ हम सीख नहीं गए, आप जैसा बोलेंगे वैसा ड्यूटी ऑन होगा ना। हाँ बोलिए क्या बोलेंगे, मास्टर है ना। ठीक ठीक दादा हाँ ठीक सीसी लोग हाँ ड्यूटी कॉल ही लोग देते हैं, सीसी देते हैं, समझे ना, सीसी देते हैं, ड्यूटी कॉल जो देते हैं ना वो सीसी देते हैं। सीसी क्या होता है जानते हैं, फुल फॉर्म सीसी का क्रू कंट्रोलर, जब वो गाड़ी चलाने बोल रहे एक एलपी ही बनते हैं। देखो हम लोग ना बहुत रास्ता है, ये एलपी बनते हैं, एलपी ही बनते हैं, हम लोग को बहुत रास्ता है, मैं अगर 2 मिनट समय देंगे तो हम बता सकते हैं, नहीं बाद में बताएंगे, अभी रहने दो, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। बता दीजिए सर, बाद में भूल जाएंगे। हाँ सर बता दीजिए हम लोग को बहुत रास्ता है। देखो एलपी में पहले आ जाओ, प्यार से आ जाओ, फ्रेश एग्जाम दे करके, ठीक है। एलपी के बाद यहाँ से आपका जो रास्ता खुलता है वो बहुत सारे खुल जाते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में इतना प्रमोशन है ना कि आपका आना मुश्किल है, आप नहीं सोच सकते हो। अगर आपका बीटेक है, पहली बात तो अगर बीटेक है तो आप ऑफिसर बन सकते हो, ऑफिसर मतलब ADEE और सीनियर डी नहीं बनना, ADEE बन सकते। ADEE मतलब होता है एडिशनल डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है, आप ये भी बन सकते हो अगर बीटेक है तो। ओवरऑल आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे या कोई भी जोन में जितना डिवीजन है उतना पोस्ट निकलेगा, आप आद्रा डिवीजन में पोस्टेड हो, आद्रा डिवीजन में एक ADEE होगा, हर प्रत्येक डिवीजन में एक ऑफिसर होता है उस पोस्ट से रिलेटेड। तो इसमें आप अगर बीटेक होल्डर हैं तो आप एग्जाम इनिशियली अगर आपका ट्रेनिंग भी चल रहा है, अगर आप ट्रेनिंग में भी हैं तो जो एग्जाम का जो फॉर्म निकलता है आप भर के डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि ये आता है UPSC क्रैक करके, ध्यान से सुनिए, ये आता है UPSC क्रैक करके, ठीक है। लेकिन अगर आप ALP में आ गए हैं, अगर बीटेक है आपका, एमटेक है तो और अच्छी बात है, अगर बीटेक है तो आप ये बन सकते हो। दूसरा बात, अगर आपका ITI है या नॉर्मल है, बीटेक है, जो भी है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारे ब्रांच खुलते हैं। इसके लिए पहले आपको LP बनना पड़ेगा, LP में 3 साल कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। 3 साल कार्य करने के बाद यहाँ से आपका बहुत सारा रास्ता खुलते हैं, आप CC बन सकते हो, पहली बात तो CC बन सकते हो, दूसरा बात आपका CCC बन सकते हो, तीसरा है LI बन सकते हो, चौथा है CLI बन सकते हो, ठीक है, पांचवा है इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। हाँ इंस्ट्रक्टर बोले तो ट्रेनिंग सेंटर पे जो ट्रेनिंग करवाते हैं, हाँ आई लिख रहे हाँ इंस्ट्रक्टर ये जो ट्रेनिंग करवाते हैं, तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास। इसके अलावे अगर देखा जाए, हाँ इसके अलावे भी है, TLC बन सकते हो, हाँ TLC बन सकते हो, और TLC और तो नहीं है, TLC और नहीं है, तो इतना आप बन सकते हो, ठीक है। तो ये जो हो गया, जो अभी हमको कॉल दिया, ड्यूटी कॉल दिया यानी क्रू कंट्रोलर, हाँ क्रू कंट्रोलर होता है, ठीक है, ये जो होता है चीफ क्रू कंट्रोलर होता है। क्या होता है, चीफ क्रू कंट्रोलर यानी कि इसके ऊपर होता है, ये इसके ऊपर होता है, ध्यान से सुनिएगा, 3C जैसे लगा
यानी ये उसके ऊपर होता है, यानी कि ये ही आपका इसको भी देखेगा और हम लोग को भी देखेगा। हम लोग को क्या देखेगा, अभी हमको छुट्टी लेना है तो हम इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे, इसको इस भाई को बोलेंगे, इस भाई हमको देखेगा, ये भाई रोस्टर देखेगा, कितना आदमी है नहीं है, क्या करना है नहीं करना, यानी पूरा डिवीजन का यानी लॉबी जो है वो ये चलाते हैं, ये चलाते हैं, ठीक है। इसके अंदर सब आ गया, ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं ये भाई साहब लोको इंस्ट्रक्टर होते हैं, यानी कि लोको यानी इंजन, जैसे अभी हम जाएंगे ना तो अगर इसका इच्छा है, इच्छा नहीं मतलब इसको अगर बोलेगा कि नहीं तुम जाओ देखो कैसा ड्यूटी करता है, ड्यूटी ढंग से करता है कि नहीं करता है, तो ये हमारे इंजन में आएंगे, आराम से बैठेंगे या गप सप करेंगे, मतलब हमारे भाई में से एक होते हैं क्योंकि एलपी ही है, ठीक है, एलपी से इसका प्रमोशन हुआ है, ठीक है। ये होते हैं सीएलआई, यानी कि ये जो है ना इसके ऊपर होते हैं, इसके ऊपर होते हैं ये चीफ लोको इंस्ट्रक्टर, यानी कि 10 एलआई के ऊपर में ये एक होते हैं, ये सीएलआई होते हैं, ठीक है। सब भाई ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी फोन करेगा तो भाई ऐसे भैया या दादा या जो आपका भाषा है यहाँ का बोल सकते हैं। ये होते हैं थोड़ा अलग हटके, है लेकिन एलपी से ही गया इंस्ट्रक्टर होते हैं, ये ट्रेनिंग करवाते हैं, जैसे हम लोग आएंगे या आप आएंगे ना तो ट्रेनिंग करवाए यही आपका, ठीक है। अभी हमको जो ट्रेनिंग करवाया उसका नंबर हम बात कर सकते हैं नॉर्मल। ये होते हैं टीएलसी होते हैं, ट्रैक्शन लोको इंस्ट्रक्टर कंट्रोलर, ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर यानी मोटर से रिलेटेड जो इंजन है ना, इंजन में जो काम काज होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ फॉल्ट हुआ है, कुछ फॉल्ट आ गया तो हमको बताना है, तो इनको आप ऑन ड्यूटी समय जो भी है उसको कॉल करके आप बता सकते हैं, ठीक है। इतने सारे प्रमोशन होते हैं हमारे एएलपी में, ठीक है ना। और सारे का पेमेंट अगर की बात करूं, अगर मेरे साथ में कल ये था एलआई था, कल एलआई था, एलआई था, इसका पेमेंट ना दो से ढाई लाख के बीच में इसका पेमेंट, खुद बताया हम नहीं बोल रहे, खुद बताया। तो पेमेंट होने की वजह हो जाता है ना, ये सबका बेसिक ही होता है 84,200 समथिंग इनिशियल में बेसिक होते हैं, इतना बेसिक होते हैं। इसका डीए निकालोगे ना आप, निकालो 30% 34% निकालो आप, ठीक है। ये डीए होते हैं, उसके बाद टीए होते हैं, ठीक है, और नाइट ड्यूटी होते हैं, और माइलेज लोग का ना बहुत ज्यादा हो जाता है, पर माइलेज इसका किलोमीटर का 5 रुपया मिलता है, 5 रुपया 3 पैसा ऐसे कुछ मिलता है, ठीक है, 3 पैसा ऐसे कुछ मिलता है। तो ये लोग का माइलेज ही ज्यादा हो जाता है, 15,000 माइलेज हो जाता है, 75,000 ए सी हो गया, देखो 75,000 ए सी ले लो, 76,000 ले लो, क्या इधर भी कुछ है, 76,000 ए सी हो गया, 80,000 यही है, डीए अलग है, नाइट ड्यूटी अलग है, यह पेमेंट बहुत ज्यादा है, हाँ समझे ना। तो इसीलिए ना अगर आप एलपी में आ जाते हो ना, तो मस्त है, एकदम मस्त। सर अगर टेक्नीशियन में आ जाते हैं तो उसका प्रमोशन नहीं होता? हाँ, टेक्नीशियन का भी प्रमोशन होता है, लेकिन इतने सारे ब्रांच नहीं है जो हमारे यहाँ ब्रांच है इसमें है, वो उसमें नहीं। हाँ, उसमें भी प्रमोशन होता है, टेक्नीशियन से भी आप इंटरनल एएलपी निकलते हैं, अभी निकला था इंटरनल एएलपी निकला था, अभी एग्जाम ले लिया गया उसका, तो वो भी आप कर, वहां से भी आप बन सकते हैं, उसमें आपका ये कंपटीशन कम होता है। जो इंटरनल निकलते हैं उसको बोलते हैं आपका एलडीसी ऐसे कुछ बोलते हैं, वो कंपटीशन कम होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट जो कर रहा है वो उस सब का मतलब एग्जाम लेंगे टेक्नीशियन में, वो बोल रहे ना आप। हाँ, इंटर जो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब कर, नहीं जो टेक्नीशियन में है या जो रेलवे में है, एलपी बनना है तो एलपी का इंटरनल फॉर्म निकलता है, तो वो आप भर के एग्जाम दीजिए, एग्जाम देना पड़ेगा आपको, एग्जाम देकर के आपको बनना है। हाँ, का यहाँ पर क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं अरे यहाँ पर भीड़ कम होता है, यानी कि आप मार्क कम होगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना होता है, ठीक है। आप आइए, आराम से आइए, प्यार से आइए, इसीलिए बता रहे हैं मेहनत कीजिए, हाँ समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मेहनत कीजिए, ठीक है, पढ़ाइए सर, आप मन से पढ़ेंगे। तो इसमें जो है क्या होते हैं, क्वेश्चन कर सकता है, जैसा कि हमने कहा कि निम्न में से आदर्श मशीन की दक्षता होने के लिए कितना दक्षता कितना होता है, आदर्श मशीन की दक्षता कितना होता है, एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है, क्लियर। अब देखो इसमें, अब मैं जैसे कि बोला यहाँ पे कि थोड़ा सा यहाँ पर इसको हम और लिखते हैं, देखो इफिशियंसी ऑफ मशीन को ईटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ, आप लोग के प्रति मैं और सीरियस हो गया हूँ थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा और समय ज्यादा हमको ना बढ़ाना है। इफिशियंसी ऑफ मशीन को ईटा से, इसको ईटा बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ईटा से डिनोट किया जाता है, यानी कि ईटा बराबर मैं लिख दूं इनपुट देखना था, आउटपुट बटा इनपुट, हाँ
एटा बराबर लिख दो मैं आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, समझे ना, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। तो आपके एग्जाम में देखो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी कर सकता है, ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या करेगा, हाँ एटा बराबर, हाँ हाँ क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, एटा बराबर क्या होता है, या लैंग्वेज में लिख देगा कि निम्न में से एटा बराबर क्या होता है, या इफिशियंसी मशीन की इफिशियंसी जो होता है दक्षता होता है वो किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन दे देगा कुछ ऐसा देगा ऑप्शन आपका, हाँ आउटपुट बटा इनपुट इनपुट, ठीक है, बी नंबर देगा आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, सी नंबर देगा इनपुट, हाँ इनपुट बटा आउटपुट इनटू 100, डी नंबर देगा हाँ इनपुट इनटू आउटपुट, बोलिए क्या होगा इसमें, क्या होगा, ये हो जाएगा ना, क्या मेरा आवाज कट गया क्या, तो इसीलिए ना छोड़िए जब पढ़ते हैं ना तो ये सारे चीज आपके अंदर आने लगता है, कहानी मतलब आप ये सारे चीज करना सीख जाते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने कहा कि इफिशियंसी ऑफ मशीन, हाँ हम सीधा शॉर्ट लिखते हैं, आप एटा लिखते हैं, ठीक है, एटा बराबर लिखा हमने, जैसे कि आउटपुट देखो मशीन आउटपुट क्या है, देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है, इसको मैं ना आपको क्लियर समझा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से वो अगर आपको पूछे तो आपको फंसना नहीं। आउटपुट क्या है, मशीन द्वारा क्या क्या कार्य है, क्या है मशीन द्वारा क्या क्या कार्य है, वही मिला जी, जो आउटपुट मिला हमको मशीन द्वारा क्या क्या कार्य, क्या गया कार्य है, ठीक है। इनपुट क्या है, अगर मैं इनपुट का बात करूं, इनपुट क्या है, मशीन को दी गई ऊर्जा है, हाँ क्या है, मशीन को दी गई क्या है, एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है, ऊर्जा है, या हमारे द्वारा जो प्रयास किया गया, जो मशीन के ऊपर प्रयास किया गया, जो एफर्ट डाला गया, ठीक है। तो आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो, देखो नीटा बराबर ऐसे लिख सकते हो आप, देखो आउटपुट यानी कि मशीन द्वारा किया गया कार्य, आप डब्ल्यू लिख दो। अब देखो जब मशीन कार्य करता है इसके द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हाँ कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा, इसने कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा। अब देखो वो दूरी हो सकता है वो ऊपर हो सकता है, वर्टिकल के रूप में हो सकता है, या हॉरिजेंटल हो सकता है कि नहीं है, यानी कि जो मशीन कार्य करेगा उसके द्वारा कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। और जो एनर्जी जो हमने दिया, यानी जो हमने एफर्ट डाला है, हमने जो एफर्ट डाला, यानी जो प्रयास किया, हाँ इसके द्वारा भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इनपुट में आपको ये दो चीज रहता है इंक्लूड, और आउटपुट में भी ये दो चीज रहता है, या आप ऐसे लिख सकते हो, मशीन कुछ ना कुछ कार्य करेगा, उसके द्वारा कुछ ना कुछ लोड उठाया जाएगा, लोड उठाएगा कुछ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, हमने जो प्रयास डाला, जो एफर्ट डाला हमारे द्वारा भी जब एफर्ट डाला गया कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें इंक्लूड रहता है, तो आपको एग्जाम में ये चीज ना देखकर ये भी देखने के लिए मिल सकता है, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें बताइए, ठीक है। तो आपको वो ना देख करके आपको ये भी दिखने के लिए मिल सकता है, मैंने जैसा कि कहा, ठीक है। अब देखो इसमें इसको यहाँ पर छोड़ते हैं हम लोग, अभी अब लीवर के बारे में पढ़ते हैं, हाँ क्या कि इसके आगे हम अभी नहीं बताएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगा, बाद में उसको पढ़ेंगे। इसमें एक स्टेप और बढ़ना है हम लोग को, अभी छोड़ देते हैं इसको, आइए हम लोग लीवर के बारे में पढ़ते हैं। लीवर के बारे में क्या पढ़े हैं, उत्तोलक, आप बताइए उत्तोलक, तो आप लोग लुसियन में लगता है कई बार पढ़े होंगे, बताइए क्या है लीवर, क्या थ्री टाइप का होता है लीवर, हाँ तीन टाइप्स के होते हैं लीवर, बोलिए क्या क्या होते हैं और क्यों होते हैं। तीन का जो हम लोग बंगाली में पढ़े थे उसका आलोम्ब कहता है, जिसमें बीच वाला एक पॉइंट नहीं रहता, हाँ उसका पोजीशन के हिसाब से वो डिसाइड होता है कौन वाला कौन सा लीवर है। हाँ, जैसा ये जो ट्यूबल का है वो तो थर्ड का आता है, थर्ड या सेकंड में आता है, थर्ड ही आएगा। और कोई कुछ जानते हैं, हिंदी भाषी बहुत हैं, बोलिए हिंदी भाषी बहुत हैं, बोलिए कुछ जानते हैं तो बोल सकते हैं।
क्या सर, उत्तोलक, उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। हाँ, उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करेगा, कहाँ पर है? क्या सर, कहाँ पर है आप? आर्किमिडीज तो रिवर्स थ्रस्ट के ऊपर काम करता है, रिवर्स थ्रस्ट। उत्तोलक भी आते हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पर कार्य करते हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत क्या बोलता है, बोल सकते हैं? उत्प्लवन के उत्प्लवन ऐसे कुछ होते हैं, पलवन उत्प्लावन ना, उत्प्लावन। हाँ, उसे इंग्लिश में रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं। आप जहाँ भी पढ़े हैं आप भूल जाइए, मैंने बार बार कहा भी लीवर, हमने वहीं पर बता दिया कि ये पराघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। टॉर्क क्या कहता है कि जब आप छोटे छोटे बल लगाते हो उसके द्वारा बड़े से बड़े कार्य को किया जा सकता है। लीवर क्या एक छर है, एक वो छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, या बहुत जटिल हो सकता है। बहुत जटिल का मतलब बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत छोटा संरचना का हो सकता है। जैसे मैं बोलूं अभी आपको, मैं अभी यहाँ पे नहीं है, अभी जैसे मेरे पास रेंज रहता, रेंज ये क्या है, छर है, छोटा सा छर है। मैं अगर चाहूँ तो उसका बड़ा से बड़ा नट, उस पर जितना बल लगा के उसको हम खोल सकते हैं। तो एक छोटे मशीन के द्वारा हमने बड़े कार्य को कर दिया, तो वो क्या है, लीवर है। लीवर यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? इसका ये क्या हो गया, आर्म हो गया, इस पर बल डाला गया, ये एक्सिस बन गया, ये मूव हो रहा है, यानी किस पे, टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। तो लीवर टॉर्क के सिद्धांत पर कार्य करता है, ना कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आप भूल जाइए, नहीं तो फिर आप एग्जाम में गलत करके आएंगे, समझे? या एक छर होता है, मैं लिख देता हूं, या एक छर होता है, ठीक है। ये जटिल हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, छोटा हो सकता है, जटिल हो सकते हैं, जटिल मतलब बड़ा, हाँ, जटिल संरचना, जटिल संरचना मतलब बड़ा हो सकते हैं, बड़ा हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है, ये पहला पॉइंट मैं कर दूं इसको, ठीक है। और दूसरा पॉइंट की बात करो तो दूसरा पॉइंट ये है कि यह टॉर्क बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। बस इसमें और कुछ भी नहीं, समझे? कुछ क्वेश्चन है इसमें, बोलिए। जी सर, ठीक है। अब देखो, ये लीवर जो है ना, इसमें तीन पॉइंट्स होते हैं। अब उस तीन पॉइंट्स को, तीन बिंदु को नाम दिया गया है, ठीक है, जिसमें फलक्रम है यानी आलम्ब है, आयास है यानी एफर्ट है, लोड है यानी भार है। ये तीन चीज है। लोड यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि रेंच, रेंच का एग्जांपल दिया था, तो ये जो है ये लोड हो गया, ये जिस चीज को घुमा रहा है। एफर्ट यानी जहां पर हम इसमें प्रयास कर रहे हैं, यानी एफर्ट जहां पर बल डाल रहे हैं, ये एफर्ट हो गया। ये हो गया क्या, फलक्रम। फलक्रम क्या हो जाएगा, देखो फलक्रम यानी कि फलक्रम क्या कहता है ना, फलक्रम कहता है कि वो अस्थिर होकर के जिस बिंदु पर मूव हो रहा है। जैसे कि मैं अगर बात करूं या फिगर के रूप में, देखो ये जो है समझ लो कि ये एक झुलवा है। समझो कि यहाँ एक लेडी है, यहाँ एक बैठी है लेडी, इधर आप हो, या हाँ इधर आप भी बैठे हो। तो बताओ ये झुलवा, ये अप एंड डाउन कर रहे हैं, अप एंड डाउन खेलते हैं ना, बच्चों में देखते होंगे वहां पर फील्ड उल्ड में या कहीं पार्क में, इधर भी बैठा हुआ है बच्चा, ऐसे झूल रहा है, ऐसे ऊपर नीचे, हाँ, या फिर आगे पीछे ऐसे होता है कि नहीं होता है, हाँ बोलो। तो ये क्या हो गया, देखो ये यहाँ सेंटर ये हो गया ना, यानी कि ये क्या है, फलक्रम का काम करेगा, ये फलक्रम यानी ये आलम का काम करेगा, ये आलम का काम करेगा, यानी कि जिस फिक्स बिंदु पर कोई भी लीवर वो मूव करता है उसी को हम फलक्रम बोलते हैं। अब बताओ ये लोड जो है, ये लोड हो गया यानी भार हो गया, बताओ ये भी भार हो गया ना, ये जो है ये आयास हो गया, ये क्या हो गया, आयास हो गया, बताइए। और मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल और मैं लेने प्रयास कर रहा हूं, तराजू में बन गया, नहीं तराजू में नहीं, और कुछ क्या लूंगा, कुछ है बोलिए आप लोग, कुछ है, कैंची ले लीजिए, कैंची, कैंची ले लेता हूँ, ठीक है, कैंची ले लेता हूँ, मैं फिगर बनाने का प्रयास करूंगा।
मैं फिगर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। घड़ी का सुई याद नहीं होगा? घड़ी का सुई सर। अच्छा सुनो, पहले चीज देखो, पहले देखो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर हमारे द्वारा, क्या कर गया? आप एफर्ट डाल रहे हैं, यानी कि क्या करते हैं, ऐसे करते हैं यहाँ पे, एफर्ट डालते हैं, एफर्ट डालते हैं यानी प्रयास करते हैं। अब देखो ये कैची का एक मिड पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट से ये जो पॉइंट बनाए हमने, ये जो पॉइंट बनाया यहाँ से क्या होता है, उसका दो भाग घूमता है। मेरे पास कैची था, कैची था यानी है, इस जगह है नहीं, हाँ वो क्या होते हैं आप लोग को पता है ना, वो क्या होते हैं, इस जगह से मूव होते हैं और ये एक मुंह इधर खुल जाता है, एक मुंह इधर खुलता है, बोलता है ना। तो ये जो क्या किया, ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, फलक्रम यानी क्या हो गया, ये आलम हो गया, आलम हो गया। और ये जो खुल रहा है और लग रहा है आपके बाल को, जैसे बाल को काटना है, यानी कि लोड कहाँ पड़ रहा है, लोड कहाँ पड़ा, ये लोड, ये लोड है, ये किसी को उठा भी सकते हैं, पकड़ कैसे उठा सकते हैं, तो ये लोड हो गया। यानी कि भैया इसके कार्य के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसीलिए उत्तोलक में, उत्तोलक में जो है ना तीन पॉइंट होते हैं, लीवर में कितने पॉइंट होते हैं, तीन पॉइंट होते हैं, तीन तीन बिंदु होते हैं, ठीक है। उसमें से पहला का नाम है आलम, आलम यानी फलक्रम, दूसरा का नाम है आपका आयास, एफर्ट। इसको ना पी से डिनोट किया जाता है, कहीं कहीं आपको पी भी मिलेगा, ठीक है, पी से डिनोट किया जाता है, मैंने ऐसा कहा, पी से डिनोट किया जाता है इसको, आलम फलक्रम को एप्स ही रहता है और भार का भार ही रहता है, यानी कि सी नंबर जो है आपका क्या है, सी नंबर क्या है, लोड यानी कि भार, भार यानी कि लोड, हाँ ठीक है। तो इसमें यही तीन वो खास बात होते हैं, और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग पढ़े होंगे कि इसका जो है, हाँ एक मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं, अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, अब इसके बाद पढ़ लेते हैं, एक मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं, पूछता है कि आलम में यानी प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक, पढ़े हैं क्या आप लोग? उसका कुछ मैकेनिकल एडवांटेज होते हैं, पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, पूछता है, और लड़का लोग कन्फ्यूज करके, गलत करके, मार करके, दाग करके अपना लाइफ बर्बाद करके आ जाता है या छोड़ के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ा ही नहीं है, थ्योरी जब पढ़ोगे ना तो वो चीज हट जाएगा माइंड से, ठीक है। तो हम लोग ये चीज हो गया, अब एक एक डिफिनेशन कर देता हूँ इसका, हाँ आलम का। पहला है आलम, आलम यानी फलक्रम, मेरा इंग्लिश इतना कमजोर है ना, पढ़ा ही नहीं कभी, क्या लिखा जी फलक्रम को, एफ यू एल ना, कहीं अगर मेरा स्पेलिंग गलत हो तो बोल टोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फलक्रम, आलम यानी फलक्रम, मैंने क्या कहा आलम में, आलम में क्या कहा बताइए, क्या कहा अभी बोलिए, जिस निश्चित बिंदु पर वो लीवर घूमते हैं, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर घूमते हैं, हाँ जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर लीवर, लीवर मतलब उत्तोलक, लीवर मतलब उत्तोलक, उत्तोलक घूर्णन करता है, क्या करता है, घूर्णन करता है यानी कि रोटेशन करता है, रोटेशन करता है, वही आलम कहलाता है, ठीक है, आलम कहलाता है, डिफिनेशन हो गया। अब देखो इससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन करेगा कि उत्तोलक जिस बिंदु के चारों ओर घूर्णन करता है निम्न में से उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, आलम फल, आलम हो गया या लोड हो गया या फिर आपका एफर्ट आयास हो गया, बोलिए क्या होगा, बोलिए आलम हो जाएगा। यही सब चीज ना आपको याद रखना है। अब इतना सारा हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए, आप एक नोट्स बना लो, नोट्स में लिख लो आप। अब एग्जाम में ऐसा, अब माइंड में याद रखने के लिए क्या है, आलम क्या है, मतलब वो एक बिंदु है जिसके चारों ओर कोई भी मशीन घूमता है, बस और कुछ भी नहीं, क्लियर, ऐसे याद रखा जाता है। क्या था, आयास था, आयास यानी एफर्ट,
इसमें क्या होता है, मशीन को कार्य करने के लिए उत्तोलक को काम में लाने के लिए जिस बिंदु पर हम बल लगाते हैं या जिस बिंदु पर हम एफर्ट डालते हैं या जिस बिंदु पर हम बोल सकते हैं हम बल ही लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं आयास बोलते हैं। ठीक है, नहीं उत्तोलक को, उत्तोलक को काम में, काम मतलब कार्य, कार्य में लाने के लिए, लाने के लिए जिस 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 जिन्स नहीं है जिस जिस बिंदु पर बल लगाते हैं, बल लगाते हैं, बस क्या एफर्ट है, वो क्या है एफर्ट है, हो गया, उसे एफर्ट कहते हैं। बच्चे वाला डिफिनेशन नहीं पढ़ना है हमको। ठीक है, इसे ना कहीं कहीं पी से भी डिनोट किया जाता है। हाँ, फलक्रम हो गया, एफर्ट हो गया, मैंने कहा तो यहाँ पर लिख दिया था, मैंने मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे। हाँ, इसे इसे पी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है एग्जाम में, आपको कहीं 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 देखने के लिए मिल सकता है, कहीं कहीं देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो घबराना नहीं है कि ये क्या गया हमारे सामने। ठीक है, तो एफर्ट क्या है, उत्तोलक यानी छड़ का वह पार्ट है जिस पर हम आयास यानी एफर्ट डालते हैं, जो बल लगाते हैं। क्लियर। अब देखो भार क्या है, अब भार के बारे में तो आसानी से आप लोग जानते हैं, भार क्या होगा, भार यानी लोड, क्या होगा, क्या होगा लोड, मशीन के द्वारा जो मशीन का वह भाग जिसके द्वारा कुछ ना कुछ लोड उठाया जाता है या कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है, तो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है, इसका डिफिनेशन जरूरी नहीं है, तो सीधा है, लोड एक अपने आप में एक डिफिनेशन है, लोड मतलब जो मशीन के द्वारा भार उठाया जा रहा है, तो उत्तोलक, हाँ उत्तोलक का वह बिंदु, हाँ वह बिंदु जहां से, हाँ कुछ ना कुछ भार उठाया जाता है। क्लियर। अब इसमें किन्हीं कोई क्वेश्चन है, यहां तक में तो कुछ बोल सकते हैं, किन्हीं कुछ समझ में नहीं आया बोल सकते हैं। नहीं। नहीं भैया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। जी भैया, अब देखो इसका एक प्रिंसिपल है, यानी ये किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाँ, उत्तोलक जो है यानी लीवर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये हम लोग को पढ़ना है। ठीक है ना, यानी कि उत्तोलक का सिद्धांत, हाँ प्रिंसिपल ऑफ लीवर। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ लीवर यानी कि उत्तोलक, उत्तोलक का, उत्तोलक का सिद्धांत। बोलिए क्या पढ़े हैं आप लोग इसमें, क्या पढ़े हैं उत्तोलक का सिद्धांत? अभी तक हमको लगता है इससे आप वो परिचित नहीं होंगे, या परिचित होंगे या सवाल कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा। परिचित थे आपसे प्रिंसिपल ऑफ लेबर यानी उत्तोलक का सिद्धांत, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, क्वेश्चन कर देगा निम्न में से उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, बोलिए। अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ा था ये लोग। और कोई परिचित है कोई इससे, और कोई इसके अलावा, और कोई सर उत्तोलक भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नहीं, वो तो ठीक है आपका, वो तो ठीक है, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वो तो ठीक है। जैसे कि मैंने अगर आपके सामने फिगर बना दिया, समझो ये कुछ फिगर बना दिया, समझो ये फिगर है, फिगर को पकड़ना आप पहले, ऐसा कुछ फिगर है, ये एफर्ट है, यहाँ पर आप बल बल डाल रहे हो, ये लोड है। ठीक है, ये लोड है, एक कुछ लोड उठा लिया, ये फलक्रम हो गया। ठीक है, फलक्रम, ये एफर्ट हो गया, ये फलक्रम हो गया, समझो ये यहाँ पर फलक्रम है, क्या है, ये घूर्णन करेगा, हाँ ये एक पॉइंट है जो घूर्णन करेगा। अब बताओ इसमें, मैंने जैसा कि कहा इसमें क्या क्या है, देखो इसमें तीन भाग है,
तीन चीज है, एक तो एफर्ट है आपका, एक फलक्रम है और एक लोड है। लोड है तो लोड का भुजा है ये लोड का भुजा है। हाँ ये एफर्ट है तो ये एफर्ट का भुजा है, भुजा है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, हाँ पढ़े होंगे, पढ़े होंगे आप लोग, भार भार यानी लोड, भार इंटू भार का भुजा, भार भुजा, भार भुजा बराबर एफर्ट यानी आयास, आयास इंटू आयास भुजा, आयास भुजा, भुजा यानी कि लोड इंटू लोड आर्म, मेरा बैटरी लो हो गया, लोड आर्म और एफर्ट इंटू एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म। पढ़े थे क्या बैटरी लो? ये चीज जब समझ जाएंगे ना तो जाते हैं। वो आप गलत, वो आप गलत नहीं करेंगे, यही यहीं से सारा खेल चालू हो जाता है, यहीं से सारा खेल चालू हो जाता है। टेस्ट सीरीज में मिस्टर एक दो क्वेश्चन इस रहते हैं लीवर से। हाँ मैंने कहा ना कि यहाँ से खेल चालू होते हैं। हाँ ये चीजों को अगर आप पकड़ लेंगे ना तो बहुत ही, अभी मैंने फिगर बनाया था, देखो ये एक फिगर मैं यहाँ पे सामने बनाता हूँ इसका। हाँ मैं सेम फिगर सामने बना रहा हूँ, कोशिश करूंगा। ठीक है ऐसे देखिए, हाँ देखो मैंने एक ये कहा, ये एक है और ये एक है और एक ये है, मैं इसको थोड़ा अलग बिंदु से दिखा रहा हूँ। ये जो है क्या है, ये फलक्रम है, ठीक है ये फलक्रम है, एफ से डिनोट कर दिया, यानी कि ये क्या है बोलो, आलम है ये। हाँ ये आलम है, ठीक है ये एफर्ट है, यहाँ पर एफर्ट डाला गया आपके द्वारा यानी प्रयास डाला गया, प्रयास प्रयास यानी एफर्ट, ठीक है एफर्ट, जिसको आप पी से भी डिनोट कर सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं या पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये है लोड, है लोड है यानी ये क्या है, भार है, क्या है ये भार है। देखो कि मैंने कहा फलक्रम क्या कहा, फलक्रम ने कहा यानी फलक्रम जो है, फलक्रम जो है इसने कहा जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर लीवर घूर्णन करता है, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर, फलक्रम ये है ना, यानी कि ये लीवर का एक पार्श, ये बता रहे हैं आपको ये लीवर का एक पार्श, ये ले लो आप यहाँ तक आ गया और दूसरा पार्श ये ले लो आप यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो ये लीवर के दो पार्श को ये आपको दिखा रहा है सामने सामने, सीधा सीधे अगर बात करो तो देखो तो, ठीक है ना, तो ये दो पार्श को दिखा रहा है। तो यहाँ ये जो लोड है, ये जो लोड है ना, ये इसका ये भुजा हो गया, तो हम इसको बोले थे वहां पर, ये जो हमने लिखा था यहाँ पर, ठीक है इसको हमने लिखा था लोड आर्म। हाँ लोड हो गया ये, तो ये हो गया लोड आर्म, लोड आर्म, ठीक है ना। ये जो एफर्ट डाला गया, एफर्ट जो डाला गया, ये जो एफर्ट है ये हो गया इसका भुजा, हाँ ये हो गया इसका भुजा यानी एफर्ट आर्म, एफर्ट आर्म, ठीक है। यानी कि कुछ भी चीज लीवर में, कुछ भी चीज मेजर जो करेंगे आप, जो नापेंगे वो आप यहां से फलक्रम से ही नापेंगे। वो बिंदु हो सकता है, हो सकता है वो बिंदु ऐसा भी हो, हमने सेंटर में दिखा दिया, वो बिंदु यहां भी हो सकता है, ये फलक्रम यहां भी हो सकता है, ये फलक्रम यहां भी हो सकता है, ये आयास यहां हो सकते हैं, आयास, हाँ आयास यानी कि एफर्ट यहां भी हो सकता है, ठीक है लोड यहां हो सकता है, लोड यहां हो सकता है। यानी जरूरी नहीं, मैंने ऐसा फिगर दिखाया आपको कि ये जरूरी नहीं कि सेंटर में हो, ये चीजें कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, या इस एंड पे भी हो सकता है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने के लिए सेम फिगर बना करके, देखो इसका अलग अलग तीन फिगर, मैं तीन फिगर बनेगा, ठीक है इसका अलग अलग कितने फिगर, एक ये फिगर हो गया जिसमें हम सेंटर में रखती है, दूसरा फिगर अगर मैं बनाऊं फिगर नंबर बी, हाँ इसको देखना, इसमें
आपका सेम चीज होगा, लेकिन मैं इसको बदल रहा हूं थोड़ा, ठीक है। यहां पर ये फलक्रम हो गया, फलक्रम आलम यानी आलम फलक्रम, सॉरी फलक्रम आलम, ये आपका फलक्रम हो गया, ठीक है। और ये आपका आयास हो सकता है, एपर्ट हो सकता है यानी पी हो सकता है, और ये आपका भार हो सकता है यानी लोड हो सकता है। तो बताओ, मैंने कहा कि ये पॉइंट जो है फलक्रम है, फलक्रम यानी जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक मूव कर रहा है। तो आप देखो ये उत्तोलक जो है ये यहां से मूव नहीं करेगा, ये यहां से मूव करेगा। तो मैंने कहा कि ये फलक्रम बताता है आपको कि कुछ भी चीज को जब मेजर करोगे आप यहां से करोगे। अभी देखो हमने मेजर किया था तो यहां से क्या था, यहां से क्या था, अभी हम मेजर जब करेंगे यहां से करेंगे, यानी कि इसका जो आर्म होगा वो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, लेकिन इसका आर्म जो होगा वो यहां से यहीं तक होगा। तो हम इसको नाम देता हूं अलग अलग, हाँ अलग अलग नाम दू मैं, तो इसको मैं ना शॉर्ट में लिख रहा हूं। यहां ध्यान से सुनिए, यहां पे देखना, ये तो आपका लोड हो गया, हाँ लोड आर्म हो गया, लोड आर्म। मैं इसको शॉर्ट में कैसे लिखूं बताओ, लोड आर्म एल ए लिख दू, हाँ ए, इसको ए ए करता हूं, हाँ इसको ए करता हूं, ए ये बी और ये सी, हाँ ये पी हो गया, ठीक है एप, ये तो एप हो गया, ए बी एप, ए बी एप, ए बी हो गया, ए बी हो गया, ये ई हो गया या पी ले लो, और ये एप हो गया और ये एल हो गया। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं आपके सामने में, मैंने कहा लोड, लोड क्या है एल है, लोड क्या है वो एल है, ध्यान से सुनिएगा, लोड क्या है एल है, ठीक है, इंटू लोड आर्म, लोड आर्म, लोड आर्म यहां से यहां तक हुआ ना बताओ, तो लोड आर्म यहां से यहां तक है यानी ए इंटू एफ है, ए इंटू एफ है, ध्यान से सुनिएगा, बराबर बराबर एफर्ट है ना यहां पे ई है, इंटू एफर्ट आर्म है यानी कि आयास भुजा है, आयास भुजा ये हो गया ना, इसके लिए ये हो गया ना, मैंने कहा फलक्रम से नापना है, जो भी चीज नापना है फलक्रम से नापना है, तो आयास भुजा ये हो गया कि ए इंटू बी हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर मैं यहां का अगर बात करूं तो इसको भी ए नाम दे दो, इसको भी बी नाम दे दो, ठीक है। आप जब भी माप करोगे यहां से माप करोगे, इसके लिए जब भी होगा देखो भार इंटू भार भुजा, अब बताओ भार कहाँ है, यहाँ भार यहाँ है, ये भार डब्लू ले लो आप, इंटू भार भुजा यानी भुजा जो है इसका यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक है, ये तो पकड़ना है आपको, ठीक है ना। तो भार इंटू भार भुजा यानी ए इंटू बी हो जाएगा, ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है बराबर। उसके बाद देखो क्या है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, आयास इंटू आयास भुजा, आयास क्या है यहाँ पे, आयास क्या है बोलो, आयास ये है पी एफर्ट, हाँ ये हो जाएगा इंटू आयास भुजा, इसके लिए भुजा ये होगा, ये होगा यानी कि पी इंटू या ई इंटू, कंफ्यूज मत होना, ई लिख रहे हैं ई ही लिखते हैं हर जगह, ई लिख रहे हैं तो ई ही लिखते हैं, इंटू बी, इंटू बी ये होगा, यही चीज आपको समझना पड़ेगा। तीसरा चीज ये भी हो सकता है इसका, यही सर और बताइएगा सर, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, देखो किसी को और हमको प्रॉब्लम है तो हमको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिगर अगर कहो तो फिगर भी फिर से बना दो, बोलो बोलिए, कोई बोलिए हमको, हाँ सर वही बोले जो लिख रहे थे जी भैया, बना दीजिए मैंने कहा एक तो फिगर वो हो गया, दूसरा फिगर ये लेते हैं, तेरा हो जाता है, इसमें भी तीन पार्ट्स होगा, हमेशा तीन पार्ट्स होगा। चलो हमने इसको लोड दिखा दिया, लोड दिखा दिया, ठीक है, ये जो हो गया क्या हो गया एफर्ट हो गया, यहां पर एफर्ट डाल दिया, प्रयास डाल दिया,
तीसरा यहाँ क्या बचा बताओ, यहाँ क्या बचा, फलक्रम बचा, क्या बचा, फलक्रम बचा, ये जो बिंदु हो गया ना ये फलक्रम हो गया, फलक्रम हो गया नहीं एप हो गया, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, बोलो सर। सर फलक्रम सर बीच में होगा, वही तो हम बता रहे भैया, ये कहाँ लिखा है ये बताओ, ये कहाँ लिखा है, यही चीज तो आपको समझना है। फलक्रम जो है वो क्या है, बोलो वो क्या है, वो एक बिंदु है जिसे चारों लीवर जो है मूव कर रहा है, तो बिंदु बीच में ना हो जरूरी नहीं है, बिंदु जो है किनारे में भी हो सकते हैं, जहां लोड लिखे हैं वहां भी हो सकते हैं। अभी आपने का कैची का एग्जांपल दिया था ना, कैची में फलक्रम जो है वो सेंटर में है, सेंटर में भी नहीं है यानी कि बीच में, यानी कि लोड और एफर जो डाल रहा है उसके बीच में। लेकिन अगर मैं बोलूं कि चलो कैची का नहीं रहता, कैची को भूल जाओ, अगर मैं बोलूं कि आप ये जेसीबी का आर्म भी तो ऐसा ही है, किसका जेसीबी का आर्म भी तो ऐसा ही है, उसका फलक्रम बीच में नहीं रहेगा, किसका आर्म नहीं, जेसीबी, हाँ जेसीबी का, हाँ जेसीबी का देख लो, या इसी का ले लो ना आप, उतना दूर कहीं जा रहे हो, क्या बोलते हैं हथौड़ा, जानते हैं ना हथौड़ा, हथौड़ा ले लो, हाँ ऐसे ऐसे एक उलट खोलने के लिए होता है और ऐसे टाइप का बना होता है, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, होते ही ना होते हैं। देखो ये हो गया एफर्ट जो आपने डाला, देखो फलक्रम का काम यहाँ पर देखो ना, जो है ना ये कील उखाड़ने वाला मशीन है, यहाँ पर एक होता है ना ऐसे दो दांत रहता है, ऐसे खींचते हैं ऐसे फंसा के, जी सर पिंचर रहता है थोड़ा सा, हाँ हाँ हाँ, तो ये हो गया लोड, ये हो गया लोड, ये हो गया फलक्रम। अब बताओ ये भी सेंटर में आ गया ना, ये भी सेंटर में आ गया, नींबू निचोड़ने की मशीन, हाँ हाँ नींबू निचोड़ने का मशीन, हाँ सही बोला आपने, नींबू निचोड़ने का मशीन जो होते हैं वो कुछ ऐसा होते हैं, ये ऐसा होते हैं, एक ढक्कन ये होते हैं, एक ढक्कन ऊपर से होते हैं, एक ढक्कन ऊपर से होते हैं, बीच में आप नींबू रख दो, इसका ये इससे निकला रहेगा, आप यहाँ पर एफर्ट डालो, ये एफर्ट डालोगे दोनों चिपक जाएगा, नींबू बीच में पिछड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब देखो, एफर्ट डाला आपने यहाँ पे, लोड है यहाँ पे, लोड है बीच में, लेकिन फलक्रम का काम ये कर रहा है, ये बीच में अगर ये फलक्रम का कर रहा है, देखो जैसे आपने क्या कर रहा है भैया, अपने क्या कर रहा है समझाने का प्रयास करूंगा, अपने क्या कर रहा है, देखो ये बीच में नींबू है, ठीक है, आप जैसे इस पर लोड डाल रहे हो तो ये जो नींबू जो दाब रहा है, ये प्रेशर देखो यहाँ पर ये दबा रहा है ना जी, देखो ये दबा रहा है, क्या हो रहा है, ये दबा रहा है, ये दबा रहा है, जब दबा रहा है तो ये चीज सुटक रहा है, यानी कि ये जो है ये समझो कि ये नींबू है बीच में, देखो मेरा उंगली, देखो ये फलक्रम का काम कौन किया, ये पार्ट किया ना, ये पार्ट ना, जी सर समझ आ गया, कहने का मतलब वो फलक्रम जरूरी नहीं है सेंटर में, क्लियर हो रहा है, जी सर बिल्कुल सर समझ में आ गया सर, तो समझ में आ गया, तो इसमें कुछ भी नहीं है फिर, तो फिर कुछ भी नहीं है, देखो यहां से समझ जाओगे ना, जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे इससे, कभी नहीं करोगे, ठीक है ना, इसको मैंने पी दे दिया ना, हाँ इसको मैंने पी दे दिया, ठीक है पी नहीं दिया, ए ले लो, ए रख हुआ ना, ए ले लो, इसका नाम मैं ए रख दिया, तो इसका बुझा ये हो गया और ये भी बुझा हो गया, ठीक है, हाँ देखो क्या था यहाँ पे, भार इंटू भार बुझा, देखो लोड इंटू लोड बुझा, यानी भार इंटू भार बुझा बराबर आयास इंटू आयास बुझा, बताओ भार ये है एल है, भार बुझा ये है ए ई है, ए ई है बराबर आयास, आयास ये है इंटू आयास बुझा ये हो गया, इंटू एफ हो गया, ई इंटू एफ हो गया, यही चीज तो पकड़ना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसी के आधार पर उत्तोलक जो है लीवर जो है तीन प्रकार रखा गया है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, पढ़े होंगे आप लोग प्रथम श्रेणी, जी सर प्रथम श्रेणी, श्रेणी श्रेणी यानी कि फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, द्वितीय क्लास, द्वितीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, श्रेणी यानी सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास, और फिर है तीसरा तृतीय श्रेणी। देखो किन्हीं को अगर समझ में नहीं आए तो क्लियर बोलना, तृतीय, तृतीय, हाँ तृतीय श्रेणी, श्रेणी यानी कि थर्ड क्लास, थर्ड क्लास, ठीक है ना, उन्हीं के आधार पर रखा गया, इसी बेसिस पर रखा गया, ये जो फिगर है ना, ये फिगर है ना,
इसमें इसने कहा कि हो सकता है वो फलक्रम बीच में हो, तो उसमें चलो भाई बीच में होगा तो प्रथम श्रेणी में हो सकता है। द्वितीय उसने कहा कि हो सकता है वो एक अलग किनारे पे हो फलक्रम, तो उसके हिसाब से द्वितीय श्रेणी में रख दिया। हो सकता है वो फलक्रम ये दूसरे किनारे पे हो, इधर वाले किनारे पे हो, तो इसके हिसाब से हो सकता है तृतीय श्रेणी में हो। क्लियर? बोलो, आज दिन के बाद इसमें दिक्कत तो नहीं होगा ना? जी जी, डिवाइड किया गया तीन पार्ट में अलग अलग श्रेणी में। हाँ नो सर, नहीं सर। क्लियर है जी? हाँ तो ठीक है। देखो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी, देखो मैकेनिकल एडवांटेज तो आपने सीख दिया, उसमें तो और कुछ था नहीं, कुछ तो छोड़ा नहीं। मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ, भार बटा व्यास। अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज बाकी है, अभी आप मैकेनिकल एडवांटेज पर लेते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज पर लेते हैं, उत्तोलक लौट है भार और उस पर लगाया गया व्यास के अनुपात को भी। अब मैं आप लोग को ब्रेक करूंगा थोड़ा, यहां तक तो क्लियर है एकदम, क्यों इसको तीन पार्ट्स में रखा गया है क्लियर। हम लोग ने पढ़ रखा कि इसका सिद्धांत है प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाँ प्रिंसिपल हम लोग ने पढ़ लिया, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, भार भुजा और आयास भुजा दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यह चीज भी कर सकते हो, एक चीज मैं और लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, बाद में काम आएगा, नहीं तो अभी रहने दो, बाद में जब कम आएगा उस टाइम देखेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा वहां पर ब्रेक करूंगा, अब मैं आपको थोड़ा सा ले जाऊंगा मैकेनिकल एडवांटेज, इसका मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल कैसे होगा बोलो तो, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, यांत्रिक लाभ एम ई सी एच है ना, मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ क्या पढ़े हैं इसमें बताइए आप। बोलेंगे क्या लीवर का, देखो वो दक्षता था, अभी जो हम लोग ने बताया पढ़े हैं वो दक्षता है। हमने कहा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो हमारे द्वारा जो भैया जो भार यानी जो एफर्ट डालेगा और जो मशीन के द्वारा जो कार्य करेगा उसके अनुपात को ही बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। पढ़े हैं आप लोग, बोलिए। हाँ यानी कि उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार, मैं सीधा सीधा अगर लिखूं, उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार एवं उस पर डाले गए या लगाए गए प्रयास, प्रयास यानी एफर्ट के अनुपात को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं, यांत्रिक लाभ यानी मैकेनिकल एडवांटेज यानी एम ए कहते हैं। बोलो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा भैया मशीन के द्वारा उत्तोलक के द्वारा उठाए गए भार, उठाए गए भार बटा एफर्ट यानी प्रयास, लगाए गए प्रयास। सीधा सीधा अगर मैं लिखूं इसको तो भार को W से लिखते हैं और एफर्ट प्रयास को E से लिखते हैं, ठीक है। या आपको ये भी मिल सकता है, P भी मिल सकता है। ये फॉर्मूला हो गया, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। कहेगा निम्न में से कौन सा एक यांत्रिक लाभ को डिनोट कर रहा है, या यांत्रिक लाभ के बराबर क्या होता है, W बटा E, W इंटू E, या W बटा P, या W इंटू P, या क्या करेगा बताओ, क्या करेगा W इंटू P। देखो मैं लिख देता हूँ सर, L भी लिख सकता है सर, L बोले तो लोड, लोड लोड एल भी आ सकता है, लोड भी आ सकता है, ठीक है। तो मैं अगर बोलूं कि आपका यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, यांत्रिक लाभ बराबर होता है क्या होता है, हाँ ऑप्शन देगा, ए नंबर देगा W बाय
ई ऑब्लिक पी, ई या पी कुछ भी मिल सकता है आपको, बी नंबर देगा डब्लू इंटू ई ऑब्लिक पी कुछ भी मिल सकता है आपको, सी नंबर दे देगा आपको, सी नंबर बना लो, ऑप्शन बनाओ बनाओ ऑप्शन बनाओ ऑप्शन बनाओ एल इंटू ई लिख दीजिए सर, दोनों देते हैं दोनों ए एंड बी, हाँ बी नंबर देते हैं नन नन, बताओ क्या होगा बताओ, ऐसे ही ना थ्योरी जब पढ़ते हैं ना अपने क्वेश्चन करिए अपने से करिए, क्या पूछ सकता है क्यों थ्योरी पढ़ाया गया, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा जो थ्योरी हम दे रहे हैं सारी चीज आपकी कॉपी में उतरना चाहिए, जब आप नोट्स बनाते हैं सारी चीज उतर, ये वाला क्वेश्चन 2018 में आया सर प्रीवियस ईयर में, अच्छा आया है, देखो एक क्वेश्चन हम देखते हैं यूट्यूब में मिल गया, तो कहने का मतलब आपको जितना हम दे रहे हैं वो सारे सारे हूबहू कॉपी में छाप लीजिए, वही नोट्स हुआ आपका, क्योंकि बुक में जब पढ़ते हैं बहुत कुछ लिखा रहता है, तो हम जो आपको दे रहे हैं वो पूरा पूरा वहां से आपको वही चटनी जो चाहिए, जो एग्जाम के लिए जो चाहिए उसको चटनी वही चीज दे रहे हैं, ठीक है ना, वो जब बुक में उतारेंगे कॉपी में उतारेंगे वही नोट्स बनेगा, और एक बार पढ़ लिया ना माइंड में समझा हुआ है ना, आप सप्ताह में एक दिन खाली रिविजन करो, एक दिन करो सप्ताह में, वो कई साल में बोल सकते हैं कई दिनों तक याद रहेगा, वही 15 दिन में रिविजन करो, महीना में रिविजन करो, वो भूलेंगे नहीं, कंफ्यूजन होगा ही नहीं, ठीक है, हाँ आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन में प्रयास करता हूँ इस पर लेने का, ठीक है, क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ तो, क्वेश्चन क्या हो सकता है देखो, एक मशीन मशीन हाँ में 1000 न्यूटन के भार को उठाने के लिए 100 न्यूटन का प्रयास किया गया, प्रयास मतलब एफर्ट, हाँ तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा बताइए, दस होगा, क्या होगा दस सर, दस होगा, दस आएगा, टेन दस दस होगा, सौरभ जी हिंदी में कोई दिक्कत हो रहा है, एकदम समझे हमने क्या लिखा, कितना है नंबर, कोई नहीं 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 हम तो सुन ले, हाँ ठीक है, मजा आ रहा है जी, हो एकदम जी जी, हाँ जी सर बहुत अधिक मजा आ रहा है, तो कहने मतलब एक मशीन को 100 न्यूटन का भार उठाना है, भार को भी हम लोग पढ़े हैं ना W बराबर mg, यानी कि भार जो मशीन के द्वारा उठाया कार्य किया जा रहा है वो भार के, ठीक है, यानी कि वो इसलिए न्यूटन, ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये भी न्यूटन है जो हमारे द्वारा लगाया जा रहा है, तो हमने कहा लिखा था अभी कि यांत्रिक लाभ बराबर होता है m into a बराबर होता है W बटा e या p, मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो W बटा e या p, ठीक है, यानी ये क्या है मशीन के द्वारा क्या गया कार्य, मशीन 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 के द्वारा उठाया गया भार, तो मशीन के द्वारा कितना उठा रहा है 100 न्यूटन 1000 न्यूटन उठा रहा है, तो 1000 न्यूटन यहाँ पे डाला हुआ है बटा, अब ये क्या है, ये क्या है बताओ, 100 न्यूटन है जो हमारे द्वारा डाला डाला जा रहा है, कितना है 100 न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन न्यूटन कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बताए बचा कितना 10, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो क्या है 10, अब देखो मैकेनिकल एडवांटेज का कुछ ऐसा यूनिट नहीं होता है, ये चीज तो आप लोग को दिख गया, रेशियो का यूनिट नहीं रहता ना, नहीं होता है, बहुत सुंदर, क्या नाम है, क्या सौरभ को, रेशियो का यूनिट नहीं होता है, ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज का कोई ऐसा यूनिट नहीं होता है, और दूसरा बात, ठीक है, अब देखो मैं अगर बोलूं तो मैं छोड़ दूं थोड़ा यहीं पे, क्या आगे पढ़ लूं थोड़ा, क्या है मैं देख लेता हूं, एक चीज और पढ़ लेते हैं, हाँ तब हम लोग छोड़ देंगे इसको, एक चीज थोड़ा पढ़ लेते हैं बस, जरूरी नहीं है एग्जाम में पूछता नहीं है, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते उसको,
क्या है भैया कौन सा साइड खराब है एग्जाम में पूछता नहीं है लेकिन पूछ सकता है भविष्य में अलग बात है ना देखो पढ़ लेते हैं मशीन का वेग अनुपात यानी कि मशीन का भी कुछ न कुछ भैया वेग होगा ना मशीन का वेग अनुपात अनुपात जरूरी नहीं है जी छोड़ दीजिए इसको यहाँ को एक स्टेप जोड़ना है इसीलिए हमको समझाना पड़ेगा उसको आप देख लेते हैं हाँ मशीन का वेग अनुपात यानी कि रेशियो वेलोसिटी ऑफ मशीन क्या पढ़े इसमें कुछ पढ़े हैं आप लोग हमको लगता है नहीं पढ़े होंगे नहीं पढ़े हैं ना इसमें पहली बार नाम सुन रहा ये रेशियो वेलोसिटी मिशन में तो नहीं है लग रहा इसको हमको थोड़ा बताना इसलिए है वहां को एक पॉइंट जोड़ना है उसमें जो हमने छोड़ रखा उसको आगे में देखो कहता है क्या एक ही समय में देखो इसीलिए बोलते हैं ना थ्योरी पढ़ने के लिए ना थ्योरी से आप सिर्फ एएलपी का एग्जाम नहीं निकाल सकते उसे कई सारे एग्जाम निकाल सकते हैं थ्योरी मतलब होता है कई सारे मतलब यूपीएससी में मत जाना आप नीचे लेवल का जितने एग्जाम होते हैं वो सारे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं चाहे आप कोई स्टेट लेवल का एसआई निकालो आप हाँ पीसीएस लेवल तक में आप सीबीटी 1 तक आप क्लियर कर सकते हो ठीक है ना आप एसआई तक में आप आराम से क्लियर कर सकते हो ठीक है ना तो इसीलिए बोलते हैं थ्योरी पढ़ने के लिए थ्योरी से आपका कई सारे ब्रांच खुलते हैं लड़का लोग समझता ही नहीं यूट्यूब पे चिल्ला के थक गए एक ही समय में हाँ मशीन द्वारा चली गई दूरी हाँ मशीन द्वारा ना एक ही समय में आयास बिंदु द्वारा चली गई दूरी और भार बिंदु द्वारा आयास एफआर एक ही समय में आयास बिंदु मतलब एफर्ट पॉइंट हाँ आयास बिंदु द्वारा चली गई दूरी और भार बिंदु हाँ द्वारा चली गई दूरी के अनुपात को के अनुपात को वेग अनुपात बोलते हैं क्या बोलते हैं वेग अनुपात बोलते हैं वेग अनुपात कहते हैं एक ही समय में क्यों लिखें एक ही समय में ही आयास बिंदु द्वारा चली गई आयास बिंदु मतलब जहां पर आपने एफर्ट डाला और भार बिंदु यानी कि आप एफर्ट डाला भैया तो मशीन कम करना चालू कर दिया यानी कि कुछ ना कुछ भार अगर आपको उठाना है जैसे कि मैंने कहा कि मैंने कुछ कुछ भार उठा लिया तो यहाँ पर एफर्ट डाला ना एफर्ट यहाँ पे डाला हमने हाँ ये समझो कि ये भार लटका हुआ है तो ये क्या होगा एक साथ गया ना इसीलिए एक ही समय में दोनों चीज होगा अब देखो एफर्ट डाला आयास बिंदु द्वारा चली गई दूरी कुछ दूरी इसमें ट्रेवल करेगा जो आयास है और जो इसके क्या बोलते हैं भार बिंदु जो भार है जो मशीन कम करेगा उसके द्वारा जो चली गई दूरी होते हैं उसी के अनुपात को वेग अनुपात बोलते हैं अब इसी को अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो वेग यानी वेलोसिटी रेशियो हाँ बराबर लिखूं मैं आयास बिंदु द्वारा चली गई दूरी सपोज देखिए बड़ी डी ले लो ये बड़ी डी है बटा भार बिंदु द्वारा चली गई दूरी दूरी ये छोटी डी ले लो इसी के इंग्लिश में आप लिख सकते हो ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट बी टी आर ट्रेवल कैसे टी आर ए बी ट्रेवल बाय एफर्ट बटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय
लोड 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 हाँ, यानी कि भार ये हो जाएगा, इसको मैंने लिखा था, क्या लिखा था, बड़ी डी बटा छोटी डी, बड़ी डी बटा छोटी डी, यही है ठीक है। अब देखो इसको मैंने इसलिए लिखा, देखो इसका यूज देखो हम कहाँ कर लेंगे, अभी हमने देखो इसका यूज कहाँ कर लेंगे, देखो देखो ये कुछ दिख रहा है, छोटी डी बटा बड़ी डी कुछ दिख रहा है क्या? हाँ जी बड़ी डी छोटी डी दिख रहा है। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर देखो बड़ी डी छोटी डी दिख रहा है। हाँ देखो इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, चप्पाकल का ठीक है, चप्पाकल का, चप्पाकल देखे हो ना, नलकूप देखे हो ना, घर में होगा ही, होगा ही घर में, नहीं है घर में, जी भैया, घर में है हाँ भैया, मैंने कहा देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट, यानी जो आपने डिस्टेंस जो अपना एफर्ट डाला, आप देखो चप्पाकल चलाने के लिए कहाँ एफर्ट डालते हो, यहाँ पे डालते हो ना। हाँ बोलो। जी सर हाँ तो देखो इसको क्या करोगे आप, ऊपर टानोगे फिर नीचे, यानी क्या कर रहा है, जहां एफर्ट डाला वो भी डिस्टेंस में कुछ ट्रेवल कर रहा है, बोलो। जी सर जी हाँ जी उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, देखो लोड कहाँ है, ये है ना, इसमें वाशर लगा हुआ था ना जी, वाशर लगा होता है ना, ये समझ लो यहाँ ये फलक्रम है, ये फलक्रम है। हाँ ये फलक्रम नहीं होगा, फलक्रम देखो यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। हाँ यहाँ पे क्या है, ये लोड है ना, लोड टना हुआ है ना। हाँ तो ये भी ऊपर नीचे हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ, ये भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, देखो आप यहाँ पे ऐसे हाँ डालते हो। सर हाँ सबको पता है भाई, नहीं है तो चपाकर खोल के देखना आप तो पता चलेगा। तो ये क्या है, लोड है, तो लोड के द्वारा भी दूरी ट्रेवल कर रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। तो यही चीज कह रहा है इसने, यही चीज कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय एफर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय लोड, इसी को हम लोग बोलते हैं वेग अनुपात, कितना वेग से हमारे चपाकल काम करता है। तो इसी को हमने यहाँ पर अभी आपको बड़ी डी बाय छोटी डी, अब बड़ी डी बाय छोटी डी को मैं यहाँ लेके आता हूँ, या उसी को यहाँ पे आते लेकर के, कहाँ पे छोड़ा मैंने, देखो ईटा बराबर था डब्ल्यू इंटू डी बटा ई इंटू डी, ईटा बराबर था डब्ल्यू इंटू डी बटा ई इंटू डी, डब्ल्यू इंटू डी ईटा बराबर था हाँ डब्ल्यू इंटू डी बटा ई इंटू डी, ई इंटू डी, तमकि यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी रेशियो जो है वो बड़ी डी बटा छोटी डी है। अभी देखो थोड़ा सा देखना यहाँ, प्यार से देखना। हाँ इतना बटा इतना मैं अलग कर दूँ, डब्ल्यू बटा ई को अलग कर दूँ मैं इनटू, जी सर अगर मैं इसको अलग कर सकता हूँ तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू डब्ल्यू या इसको मैं अलग कर सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डब्ल्यू बटा ई, ई बटे लिख सकता हूँ ना, जी सर बड़ी डी बटा छोटी डी, देखो बड़ी डी बटा छोटी डी, देखो नहीं समझ में आ रहा है, देखो डब्ल्यू बटा ई है ना, डब्ल्यू बटा ई है ना, अब बड़ी डी छोटी डी को ऊपर ले जाओ, छोटी डी को ऊपर ले जाओ, नीचे बच गया बड़ी डी, देखो छोटी डब्ल्यू इंटू छोटी डी, डब्ल्यू इंटू छोटी डी, ई इंटू डी, ई इंटू डी, क्लियर। इस फॉर्म में किन्हीं कोई दिक्कत, किन्हीं कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं, नो बोलो सर बस। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू बटा ई, डब्ल्यू क्या है वो तो, डब्ल्यू क्या है, लोड है, ई क्या है, एफर्ट है, देखो यहाँ पे ई जो है वो एफर्ट है, डब्ल्यू लोड है, भार है, ई जो है एफर्ट है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर है, यहाँ मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैं लिख दूँ यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज इस पूरे के बराबर, मैं लिख दूँ इस पूरे के बराबर मैकेनिकल एडवांटेज,
बटे बड़ी डी बटा छोटी डी। देखो बड़ी डी बटा छोटी डी किसके बराबर है, बड़ी डी बटा छोटी डी देखो यहाँ वेलोसिटी रेशियो के बराबर है, वी आर के बराबर हो गया। यानी कि भैया ये नीटा बराबर जो होता है, इसीलिए हम ना इसीलिए इसको समझाना पड़ा आपको, मेरा ना वो खत्म हो गया, इसको ना एक पेज बढ़ाना पड़ेगा, 34 पेज में पढ़ लिया आप लोग, हमको लगा था कमी पड़ेगा, 34 पेज में पढ़ लिए, नया ले लेते हैं ना एक, कितना मिटाऊंगा इसको, दौड़ के नया, वेरी गुड। यानी कि भैया हम लोग को क्या मिला, नीटा बराबर मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज, नीटा नहीं ईटा बराबर मिल गया मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ या व्यय, लाभ या व्यय भी बोल सकते हैं आप, कहीं कहीं व्यय भी मिलेगा, व्यय बटा वेग अनुपात, वेग अनुपात अनुपात। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा था ईटा बराबर, वो जो पढ़ा था वो भी होता है, ठीक है, एक ये भी होता है, तो आपके एग्जाम में ये भी मिल सकता है, इसीलिए हमको इतना थोड़ा बताना पड़ा। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था आपका, वो था आपका डायरेक्ट था कि आउटपुट बटा इनपुट, हाँ आउटपुट बटा इनपुट था। अभी जो है आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100, ठीक है, आउटपुट बटा इनपुट इनटू 100 इनटू 100 इनटू 100, ठीक है। तो एक तो ये होता है और दूसरा जो होता है वो ये होता है, ये होता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको वो भी देखने के लिए मिल सकता है, दूसरा ये भी मिल सकता है। बोलिए किसी मशीन का दे देगा क्या यांत्रिक लाभ, वो 20% है, ध्यान से सुनना, मैकेनिकल एडवांटेज 20 है और वेग अनुपात 30 है, बताओ इसका एफिशिएंसी क्या होगा, क्षमता क्या होगा, आप ये कर दोगे। एक मिनट में यहाँ पे आटा नहीं, हाँ ढंग से आटा नहीं, इसको मैं यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज बटा वी आर, भैया ये 100 हमेशा रहेगा, ध्यान से सुनना, ये 100 को छोड़ना मत, क्षमता दक्षता तभी निकलेगा, ठीक है, तभी दक्षता निकलेगा, उधर आटा नहीं है, ठीक है, लो समझ रहे ना क्या बोले हम, हाँ बोलो। तो आज की जो चैप्टर है बहुत ज्यादा फिजिक्स में पढ़ लिए हैं और यहीं रहने देते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी आज पढ़ाए इसको वीडियो अपलोड हो ही जाएगा शाम तक, और बाकी नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, और जो अगर बुक बुक है फिलहाल तो मेरे वीडियो जाएगा तब, तब तक जो भी बुक है तब तक उससे आप अगर इच्छा है तो पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ जो छोड़ दिए हैं, ठीक है, ये जो हम छोड़ दिए हैं, ये यहाँ पे खेला है बहुत सारा, प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी, हाँ इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, कल भी क्लास होगा, कल शाम में क्लास होगा 5 बजे। सर वो थोड़ा जीके से रिलेटेड बता दीजिए सर थोड़ा, हाँ सर जीके का मतलब कैसे क्या, थोड़ा मैं पढ़ता हूँ 1 घंटे तो मतलब सही है कि और मतलब क्या। देखो जीके अगर आप नया है कंपटीशन में या कभी नहीं पढ़े तो उसमें समय लगेगा। अब बोलो समय क्या लगेगा, समय ये लगेगा कि हिस्ट्री जब पढ़ते हैं ना तो आपको ना देखो कोई भी चीज को रिलेट करके पढ़ोगे ना तो वो आपके चीज अंदर में जाएगा, आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं उन चीजों को समझ नहीं रहा है, तो वहां आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, कंफ्यूजन भी होगा, हाँ समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। तो चीजों को अगर कवर करना है तो आप पहले तो बढ़िया एक बुक ले लो, बढ़िया बुक ले लो, वहां पर उस थ्योरी को कहानी के तरह उसको समझो, कौन आया कब आया किसका शासन कब से कब तक रहा कि उसने क्या क्या कर दिया, उसको एंजॉय कीजिए, मतलब एंजॉय की तरह से पढ़िए उसको, तब जाकर के माइंड में रहेगा कहानी कैच करेगा। अगर नहीं हो पा रहा ऐसा, अगर जो भी पास आपके पास बुक है पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा समय देना, आप देखो समय क्या देना पड़ेगा, जो आज आपने पढ़ा है उसको अगले दिन पुनः रिविजन करो तभी वो चीज आपके माइंड में रहेगा, फिर से रिविजन करो अगले दिन, उसके बाद सप्ताह में एक दिन रिवीजन करो, हम हमेशा बोलते हैं रिवीजन पढ़ते हैं रिवीजन कीजिए तभी माइंड में रहेगा, और उसका कोई उपाय नहीं, उससे पहले कोई उपाय नहीं। हाँ अगर बढ़िया से समझना है जिसे हम पढ़ाएंगे तो उसमें वही एक कहानी की तरह उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सर वो स्पीडी की मैं मतलब रीड करता हूँ, 2 साल से ही रीड कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। रीड कीजिए स्पीडी, रीड कीजिए, लेकिन स्पीडी में पढ़िए आप, स्पीडी पढ़िए बढ़िया, तो जी सर।
जनरल टाइम भी तो नहीं है ना उसकी, किसी का ऊपर किसी का है ना, किसका कितना तैयार है उसको उतना टाइम देना चाहिए, तो खुद की बात है। हाँ, तो आप बढ़िया से मैथ रीजनिंग, देखो मैथ रीजनिंग और साइंस पेपर और करंट पेपर, ये चार पेपर बढ़िया से बोल्ड कर लो, और 71 के लिए नहीं, 72 के लिए नहीं, वो फाइनल जो बाज का नजर होता है ना वहां पर वो होना चाहिए। बाकी ये बोल्ड करने के बाद साथ साथ में और साथ में लेके अदर सब्जेक्ट भी जाना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, लय बना के रखना है, लय नहीं टूटना चाहिए। बाकी जब ये बोल्ड हो जाएगा ना तब आप उस पर ज्यादा समय दो, जो आपका हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है उस पर ज्यादा समय दो, ठीक है ना। तो ये जो है ना सिलेबस को मेंटेन करने का एक तरीका है, क्योंकि आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, हो सकता है उसका वैकेंसी आ जाए तो उस टाइम प्रेशर बढ़ जाएगा, तो अभी से उसको बोल्ड कर लो। जी सर, ठीक है, आज इतना रहने देते हैं और हमको भी ड्यूटी निकलना है, ठीक है। ओके सर, उम्मीद करेंगे हम लोग को मजा आया होगा पढ़ के। जी सर, थैंक यू सर। जी, थैंक यू। और स्टूडेंट को आप लोग जोड़िए, स्टूडेंट लोग अगर कोई इधर उधर है पढ़ने लगे है तो जोड़िए। सर एक तो चीज बताए, एक मिनट, बहुत डाइवर्ट हो गया सर, सब जिसको बोलते हैं ऐसे बात बोलता है, क्या बोला सर, डाइवर्ट हो गया सर। सर एक तो चीज बताएंगे, हाँ जो सीबीटी वन का जो हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो उसमें टारगेट कितना मान के चल रहे हैं? टारगेट मानना ही नहीं है, उसमें तो क्वालिफाई करना है सिर्फ आपको। नहीं नहीं, हम वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम कितने में मतलब अभी तक सेटिस्फाई रहे, 40-45-50 कितना? 75 क्वेश्चन में अगर आप 40 कर दे रहे हैं, उसमें गलती अगर 5 को हो रहा है, 4 को हो रहा है, 2 को हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं नहीं, रॉ मार्क बताइए ना, रॉ कितना मान के चले? अगर रॉ का बात करें तो आप मोटा मोटी आप 25 के आसपास लेके चलो।35 नहीं लाएंगे सर, टेस्ट में सर टेस्ट देता हूँ सर, 40-41 पहुँच जाता है। हाँ बस आराम है, कोई दिक्कत नहीं आ पा, लेकिन सर प्रयास तभी करता रहता हूँ सर, और प्रयास करते रहिए ना, थ्योरी पढ़िए ना, थ्योरी मस्त एकदम, थ्योरी को हुमच के पढ़िए, आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, जो नंबर भाग रहे वो भी आएगा आपके खाते में, थ्योरी को हुमच के पढ़िए। और प्रमुख जी क्या बोल रहे थे, क्या बोलता है लड़का लोग था, बोलिए सुनाइए सबको, हम भी सुने। सर बोलते हैं इतना यूट्यूब से डाइवर्ट हो गया ना सर, किसी को बोलते हैं तो बोलता है सिलेक्शन दिला देगा वहाँ, ऐसे ऐसे बात बोलता है ना, बोलता ठीक है तो हमको लेना, तो उसके बाद तुम लोगों को बताएंगे सर। ऐसा मैंने भी अपने फ्रेंड्स को शेयर किया वीडियो आपको बारे में बताया, तो बस सर उसके बाद रिप्लाई ही नहीं दिया कुछ सर, उन्होंने मतलब देखा ही नहीं होगा सर, क्या बताया सर। बात सही है, सिलेक्शन तो नहीं दिलाएंगे, हमने बोर्ड को तो नहीं खरीद रखा है, ठीक है। सर लड़का जो है ना वो समझता नहीं है, वो केवल उस पर टारगेट रहता है कि वो सिलेक्शन हो जाए, बाकी मेहनत नहीं करना चाहता सर। सही बात, सही। सर इसको 5 मिनट में क्वेश्चन बनना, मतलब हर 1 सेकंड में क्वेश्चन बनना चाहिए, मेहनत नहीं करेगा और जितना चाहिए पैसा देगा, मतलब वैसा है वैसा है वैसा टीचर खोजता है, मेहनत खाली बोलना है वाला, वैसा चाहिए आजकल वो सर। ऐसे कुछ है मतलब बंदे जो केवल मोटिवेशनल क्वोट देख करके अपने आप आगे बढ़ाने, एकदम 1 नंबर पॉइंट बोला वो, ठीक है ना, बोलेगा भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हाँ मन डाइवर्ट हो रहा है, मोटिवेट नहीं रह पाते हैं, हरामी चट्टा चमिंडा। चलिए कोई बात ना, उसको मोटिवेट जिंदगी मैडम दिलाएगी, ठीक है, ठीक है, हम लोग मिलते हैं कल, ठीक है।